मुलायम सिंह के साथ आया, वो मुलायम सिंह के उसने जूते भी उठाए, मुलायम सिंह का हाथ भी पकड़ा, वो लगा रहा। उसका एजेंडा एजेंडा नहीं था कि मुझे इसको नौकरी देनी है, उसको नौकरी देनी है, 5,000 रुपए कमाने, ये नहीं था। ये हमारे लोगों का एजेंडा होता है, हमने कश्मीर में भी देखा है और जगह देखा है, मुंह बंद करके बैठे रहे कश्मीर में, 85 जघन्य अपराध होते रहे, कोई नहीं बोला। उस आजम खान ने जाते जाते रामपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया और उस विश्वविद्यालय से आगे आने वाले समय में हजारों आजम खां, हजारों दुजाना मूसा, हजारों अफजल गुरु पैदा हो उसका इंतजाम कर गया। हमारे यहां बनाया किसी नेता ने? बीनारे बन गई होंगी, बिल्डिंगें बन गई होंगी, 5-स्टार होटल के मालिक हो गए होंगे, इसके अलावा कोई कमिटमेंट उनका नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। ना अपने लोगों को मजबूत किया कि जो लोग राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंकुर आर्या जैसे हमारे यंग दोस्त हैं, देवबंद के पास पैदा हुए थे, ये सब लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। हमारा घर भर जाए, हमारी कोठी हो जाए, 4 बड़ी कारें आ जाएं, हम शहर में अपने लोगों के ऊपर अपना रौब घुमाएं, बस इससे ज्यादा नहीं सोचा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उनकी अप्रोच और अपनी अप्रोच में अगर आप देखें तो पहले यह तय कर लें कि हमारी जो अप्रोच है, जिस अंदाज में हम जी रहे हैं, जिस अंदाज में हम चल रहे हैं, क्या उस अंदाज में एक ऑर्गेनाइज्ड मजहबी किताब के तहत इस किताब में जो जो लिखा है वो सही लिखा है और जो मुसलमान कर रहे हैं वो सच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि कुरान में जो लिखा है वही कर रहे हैं, और वो हर मुसलमान झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, मुनाफिक है जो ये कहता है नहीं 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 ये कुरान में नहीं लिखा, कुरान में कुछ और लिखा है, झूठ बोलता है, क्योंकि उसको आपके बीच में झूठ फैलाना है कि आप जो 1,000 साल से सो रहे थे दोबारा से सो जाए। और जब आप सो जाते हैं तो मालदा होता है, मुरादाबाद होता है, संबल होता है, मेरठ होता है, आजमगढ़ होता है, कैराना होता है, केरला होता है, कर्नाटक होता है, आपके पास जगह नहीं होती। आप जागते ही जब हैं, जब तक कोई आपको आकर के आपका घर जला ना दे, आप कोशिश करते हैं कि घर जला हुआ चलो कोई बात नहीं, आपको ये बीमारी है और आपके संगठनों, नेताओं ने और आपके बड़ों ने आपको यही सिखाया। बच्चा बड़ा हो गया, आपको आपको क्या बनना है? हमको साहब सीओ बनना है। आप सीओ बन रहे, वो सीओ नहीं बनना चाहते। ये देश, ये धरती, ये दुनिया में मानवता जिंदा रहेगी तब आपके सीओ बनने का कोई मतलब है। सीओ बन के आप आसमान में रहेंगे क्या? और सीओ बनने के बाद अगर आपका धर्म ही नहीं रहा, आपकी पहचान ही रही, आप अपने बाप दादाओं को नहीं भूल गए, तो फिर आपके सीओ बन के करेंगे क्या? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा आप सीओ बन गए? ये शौहरत और दौलत जब तक तो है जब ये देश, ये समाज एक आदर्श स्थिति में है। अगर 1947 से लेकर के और पिछले 70 साल का इतिहास देखें तो उसमें ये देश दोबारा से 1946 के मुहाने पे आ गया है और लोग खुल के कहते हैं कि राम मंदिर कोर्ट से तुमने फैसला करा लिया है, क्योंकि कोर्ट भी हिंदू थी, कल सवेरा होगा, हमारा भी दिन आएगा, हमारी भी गिनती जिस पर ज्यादा होगी हम इसको मंदिर तोड़ के दोबारा से मस्जिद बना लेंगे। है हिम्मत इस देश में किसी हिंदू के अंदर जो ये कह सके कि मुगलों ने इस देश के अंदर, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और उसके अलावा 30,000 मंदिरों को तोड़ा है, हम उनको लेंगे, अपनी ताकत पर लेंगे, किसी में हिम्मत है कहने की? हिंदू कहते हैं नहीं नहीं हम कानून से लेंगे, तो लीजिए कानून से। 150 साल के बाद आपको एक कानून से मिला है, मंदिर मिल गया है, लेकिन जो चलते फिरते हिंदू मंदिर हैं उनमें शक्ति नहीं है लड़ने की, क्योंकि उनको अंदर से कुंठाग्रस्त बनाया गया है। उनको ये समझा दिया कि लड़ना तुम्हें नहीं है। एक बापू थे जो आपको ये समझा गए कि नहीं, अगर वो तुम्हारी हत्या करें तो हमें प्यार से अपनी हत्या करा लेनी चाहिए। और आज भी ऐसे मूर्ख हैं जो मंदिरों में और आश्रमों में बुलाते हैं मुसलमानों को कि देखिए हम तो नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो काबा जाने की इजाजत नहीं है उनको, आप तो उन्हें काशी के मंदिर में भी घुसेड़ लेंगे, जो नापाक लोग हैं जिनकी किताब आपकी मूर्ति को नहीं मानती, आपको इंसान नहीं मानती, आपका कत्ल करना चाहती है वो, तो आपका जब तक कत्ल नहीं होता तब तक भाईचारे की बात करते हैं वो। जब वो देख लेते हैं कि अब हमारी ताकत बढ़ गई है, तो जो कैराना में हुआ, जो मालदा में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो संबल में हुआ, जो मुरादाबाद में हुआ, वो कर दिया उन्होंने।
और अभी चंद दिनों पहले बंगलोर के अंदर क्या किया, 350 गाड़ियां जला दी, आग लगा दी, आपका हिंदुओं का लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया, सरकार का कर दिया, उनकी जेब से क्या जा रहा है, वो टैक्स तो भरते नहीं है। अब कोच चलेगा, चलता रहेगा इस देश में, सबको मालूम है क्रिमिनल जस्टिस में किसी को आज तक सजा तो हुई नहीं। ललित नारायण मिश्रा नाम के एक विद्वान थे बिहार में, उनका कत्ल किसने करवाया पूरा देश जानता है, आज तक मुकदमा चल रहा है, 40-50 साल हो गए उस बात को, मुकदमा चल रहा है, मारने वाले भी चले गए, उनका परिवार भी समाप्त हो गया, लेकिन मुकदमा चल रहा है। तो वे जानते हैं कि इस देश की भ्रष्टाचार सिस्टम में किसी को भी पैसा दे दो, थाने को 25,000 रुपए पकड़ा दो और कह दो, क्या कहते हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर हम कुछ बना रहे हैं, एक हफ्ते तक इधर आना मत, उसने पैसे जेब में रखे वो एक हफ्ते तक उधर नहीं गया, उस देर पे आपने देखा नेशनल हाईवे के ऊपर आधी सड़क पे और आधे फुटपाथ के ऊपर एक मजार बन गई, जाने कौन पैदा हुआ था जो वहां मर गया। उनका एजेंडा है जमीन घेरना, अब मजार बन गई, अब मजार हटेगी तो इस देश में सेकुलरिज्म मर जाएगा, और उस मजार को हटाने के लिए 370 हटाने के लिए एक हिंदूवादी सरकार 70 साल में आ पाएगी, फिर वो सरकार करेगी, तो आपके तो कई करोड़ों साल लगेंगे तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे, तब तक आपकी गिनती कम हो जाएगी। अब आपको गिनती का संकट है, आप दो हैं उन्हें नहीं पाल पा रहे, वो 16 हैं उन्हें पाल पा रहे, करते वो कुछ नहीं है और आप दुनिया के सारे काम करते हैं। तो ये जो इस्लाम है जो एक बड़ी चुनौती है, और आपके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहते कि ये कोई चुनौती आप ही के लिए है, ये आपको इसलिए लग रही है कि आपने पहली बार सोचा कि ये है, नहीं तो आपके यहां क्या था कि अब तो मुसलमानों के बगैर भारत कैसे चलेगा, अब तो ये चर्चा होगी, ये भाईचारा, ये गंगा जमुना तहजीब। तो इस देश के सनातनी हिंदू ने सही मानों में, मैं कहता हूं आज के युवा को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि आज के युवा को जगाने और बताने के लिए बहुत सारे लोग बिना किसी संगठनों की बाधाओं और बंधनों के चलते, बिना किसी दूसरे कारणों से, जो कारण जिन्हें आपको सच बोलने से रोकते हैं, उनके दूर होने की वजह से आज जीडी बख्शी बोलते हैं लाखों बच्चे सुनते हैं, आरएसएन सिंह बोलते हैं लाखों करोड़ों बच्चे लोग सुन रहे हैं, सुशील पंडित बोल रहे हैं, ये बताएं किस पार्टी के हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है, किसी संगठन के नहीं है। इसलिए हमारे देश में सच बताया नहीं जा रहा। अकबर महान था, शिवाजी पहाड़ी चूहा बताया जाता है, ये गंगा जमुना तहजीब, ये कहां से शब्द आए, और एक और हम झूठ बोलते हैं, और हमें ये कोई रोक के बताता नहीं, भाई हम क्या कह रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं भाई, इसका मतलब तो समझो। वो एक बड़ा खूबसूरत सा शायर था, अभी हाल में वो मर गया है, मैं ऐसे अल्फाज बोलता नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं इससे ज्यादा आदर के शब्द नहीं बोल सकता, इंदौर का रहने वाला था, मैंने बड़े बड़े बेवकूफ हिंदुओं को देखा उसकी शायरी पे ताली बजाते हुए, वो आप ही को गाली दे रहा है, आप ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पे, एक सनातनी हिंदू के तौर पे भी हमें कोई अकल ही नहीं है, हम भेड़ चाल की तरह काम करते हैं, और छोटे छोटे नरेटिव में आपको लोग फंसा देते हैं और आपकी सारी एनर्जी उसी में चली जाती है। वो जो शायरी करता था आप उस पर ताली बजाते थे, और आज क्या है, एक बहुत नारा चला इस देश में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। आ, 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 क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिसने कहा वो कितना बड़ा मक्कार था, और जिन्होंने उसको मारा उसको जूतों से पीटना चाहिए, ये ऐसे बुजुर्ग थे हमारे, और चलाया हमने। इसलिए मैंने कहा राजनीति में जो लोग होते हैं, जो राज सत्ता चलाते हैं, उनका मामला अलग है। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में उन्हें वो बातें कहनी पड़ती हैं जो वो शायद यकीन नहीं करते, क्योंकि राजनीति में एपीजे अब्दुल कलाम का भी वोट आपको चाहिए, पंचर जोड़ने वाले का भी चाहिए, सब्जी बेचने वाले का भी चाहिए, फल मंडी चलाने वाले का भी चाहिए, नाई का भी वोट चाहिए, तो सबके वोट डाल जाइए, तो फिर सबको धीरे धीरे खुश करना। लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति के नियम अलग हैं, इसलिए मैं राज सत्ता को अलग रखता हूं,
मेरी चिंता इस बात पे ज्यादा है कि राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को जागृत होना पड़ता है, और वो समाज जब जागृत होता है तब वो अपने धर्म को बचाता है, अपनी संस्कृति को बचाता है, अपने आस्थाओं केंद्रों को बचाता है, अपने गुरुकुलों को बचाता है, अपनी अपनी पहचान को बचाता है, अपनी वेशभूषा को बचाता है, अपने सरोकारों और आस्थाओं को बचाता है। अब आपको यह पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, तो आपको अपने सरोकारों का पता नहीं है।